जी, मेरा नाम तबस्सुम सैयद है। मैं टीवी चैनल में एक TNN 24 वहाँ रिपोर्टर हूँ। उसके बाद एक समाज सेवा का भी काम कर रही हूँ ठाकरे मैडम के साथ मिलकर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में हो रही है, उनके लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेना है, तो शायद मैंने सोचा कि पहल मैं भी करूँ, तो सुनीता मैडम के साथ मैं काम कर रही हूँ। और आज हम जो यहाँ पर है फैज़ अनिल ताजुल औलिया ओल्ड इज़ होम में, यहाँ शाख मौलाना जी है जिन्होंने एक मतलब फाउंडेशन जो खड़ा किया है, वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी छोटी सी बजट में अपना इतना बड़ा एक फाउंडेशन तैयार किया। और जब कोरोना ने लोगों को सबक दिया है कि दवाइयाँ नहीं है, बेड नहीं है, कुछ नहीं है, जहाँ पैसा ले लेकर लोग घूम रहे हैं लेकिन लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, आज मौलाना साहब ने उस इलाज की एक नींव तैयार की है और आने वाले दिनों में ये कंप्लीट भी हो जाएगा। बस मेरी जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन सब से बस एक ही अपील है कि शाख मौलाना के इस नेक काम में आप सब सपोर्ट करें, और जो भी हो सकता है आपकी तरफ से हमारी फंडिंग, इनकी जो फंडिंग है आप सोच भी नहीं सकते कितने कम लेवल पर है, 1 रुपया 2 रुपया 30 रुपया 50 रुपया यहाँ से इनका फंडिंग है। तो आप सभी से, जो भी मुझे सुनने वाले हैं, आप सभी से एक ख्वाहिश है कि इस फाउंडेशन की तरफ एक कदम बढ़ाएं और नेकी कमाएं। मेरा नाम सुनीता ठाकरे, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और आज मुझे यहाँ पे इशान मौलाना साहब ने बुलाए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल खोले हैं और कैंसर जो रहता है, पीड़ित लोग रहते हैं, उनके लिए उन्होंने सेवा की है। और मेरा काम है झोपड़पट्टी में गरीब लोगों की काउंसलिंग करना जो बलात्कार हो रहे हैं, और हर स्कूलों में काउंसलिंग रूम हमको खोलना है और बच्चियों की काउंसलिंग करना है क्योंकि बलात्कार इतना बढ़ गया है कि आप बता नहीं सकते। इसीलिए मैं सब झोपड़पट्टी एरिया वाइज में काउंसलिंग करती हूँ। मेरा नाम मोहसिन रजा है और मैं फैज़ाने ताजुल औलिया हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी काम है वो यहाँ पे अंजाम दे रहा हूँ। और हमने जो एक हॉस्पिटल फैज़ाने ताज मल्टी स्पेशलिटी 126 बेड का हॉस्पिटल यहाँ तामीर होने जा रहा है, जिसमें 18 स्पेशलिटी के डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे और जो 24 घंटे अपने पेशेंट की सेवा देगा। और ये फैज़ाने ताज बाबा ताजुद्दीन के 100वें उरुस से जो अभी 18 महीने रह गए हैं उसमें, उससे पहले स्टार्ट हो जाएगा। पत्रकार जो हमारे भाई हैं, इन्होंने जो परेशानी हमारे सामने अभी 2 साल से आ रही है वायरस कोरोना की, इसमें हमारे पत्रकार भाइयों ने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया है, जिन हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं था वो हॉस्पिटल पे ऑक्सीजन पहुंचाने तक का सपोर्ट दिया है, पेशेंट की अवेयरनेस के लिए काम किया है। और जब लॉकडाउन में था, जब सबको बाहर निकलना के पाबंदी थी, तब हमारे पत्रकार भाइयों ने अपनी जान पे खेल के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिपोर्टिंग की है हॉस्पिटलों से पेशेंटों के लिए, इसकी हम लोग जितनी तारीफ की जाती कम है, इसलिए हमने यहाँ पे सम्मान का एक प्रोग्राम रखा था। हमारा नाम बदरुद्दुजा इरशाद है, फैज़ाने ताजुल औलिया ओल्ड एज होम से रिलेटेड है। ये पत्रकार लोगों ने जो मेहनतें की है करोना काल में, जो अवेयरनेस का काम किया है, ये बहुत बड़ा काम किया है। और हम ऐसे लोगों का सत्कार करते हैं जो इंसानियत की सेवा करते हैं, इंसानियत को में बीमारियों से जागरूकता के लिए मेहनतें करते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है ये वृक्षारोपण कार्यक्रम है, जिसके अंदर करोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई और जो मौतें हुई है वो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी था। और आज हम उसी कमी को पूरा करने के लिए आपके हाथों से, पत्रकार हजरात के हाथों से और हमारे ठाकरे मैडम तबस्सुम मैडम के हाथों से वृक्षारोपण कार्यक्रम करके ये कमी को पूरा करना चाहते हैं। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हर इंसान ने अपने अपने घर में कम से कम एक झाड़ ज़रूर लगाना चाहिए।